अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलजी गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है मल्टी कैम्स के ऊपर कि हम किस तरीके से मल्टी क्लिप्स को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मेरा एंगल यहां से भी है, यहां से भी है और यहां से भी है, तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि आज जो थे वो थे चार एंगल्स और आज मैंने जो है वो चार कैमरे से जो है वो शूट करा था, GoPro, iPhone और दो जो थे वो थे सोनी अल्फा A7IV, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरीके से मल्टी कैम वीडियोस को जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ये मेरे वो क्लिप्स हैं जिन पे मैंने जो है वो मल्टी कैम अप्लाई किया है। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन सब को करना है सेलेक्ट और यहाँ पर जाके हम करेंगे राइट क्लिक और यहाँ नीचे हमारे पास आएगा क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पैनल ओपन हो जाएगा। हमें इनमें किसी चीज़ों को नहीं छेड़ना, ठीक है। खाली यहाँ पर ऑडियो है, इसको हमें क्लिक करना है तो ये जो है वो चेक हो जाएगा और ब्लू हो जाएगा। इसके बाद जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास आता है एक ऑडियो, इसकी सीक्वेंस सेटिंग। अब इधर जो है वो हमारे पास आते हैं तीन ऑप्शंस, आपके पास भी तीन ही ऑप्शंस आ रहे होंगे, लाइक कैमरा वन, ऑल कैमरा और स्विच ऑडियो। मुझे नहीं पता कि मेरी जो ऑडियो है वो किस कैमरा में ज़्यादा बेटर आई है, ऑडिबल किस में है, इससे मैं इसको कैमरा वन ही रखूँगी। बाद में हम इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम करेंगे ओके और ये प्रोसेस हो रहा है। देन इसके प्रोसेस के बाद आप यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में देखेंगे तो यहाँ प्रोसेस क्लिप्स के नेम से एक फोल्डर बना हुआ आपको दिखाई देगा। तो हमारे पास चारों वही जो है हमारी क्लिप्स होंगी। अब जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस टाइप का एक आइकन नज़र आ रहा होगा, बट बेसिकली ये सीक्वेंस नहीं होती है, ये मल्टी कैम का एक आइकन होता है। जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी टाइमलाइन पे, अब जब ये हमारी क्लिप जो है वो टाइमलाइन पे आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सेलेक्ट, करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर हम जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पर है ऑडियो गेन। इसकी ऑडियो को मैं करूँगी थोड़ा सा नॉर्मलाइज एंड जब ओके कर दूँगी तो इसकी ऑडियो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। हमारी जो ऑडियो है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्लिप में से उतना पार्ट रखेंगे जितना हमें नीड है और बाकी का जो है वो कट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है वो जाकर मेरी एक्चुअल वीडियो जैसे कि स्टार्ट हो रही है तो मैं लगाऊंगी एक कट यहाँ पर और इधर जाकर जो है वो मेरी क्लिप जो है मेरी एंड हो रही है, ठीक है। और बाकी हम इसको कर देंगे डिलीट। अब हम जाएंगे प्रोग्राम विंडो के अंदर। प्रोग्राम विंडो के अंदर जो है वो हमें बहुत सारे जो है वो टूल्स मिलेंगे, जिसके अंदर जो हमें एक टूल मिलेगा वो है टूगल मल्टी कैमरा व्यू, जिसका शॉर्ट की है शिफ्ट ओ। अगर आपके पास ये टूल नहीं आ रहा हो तो यहाँ पर हमारे पास एक आता है बटन एडिटर। जब आप इस बटन एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सारे टूल्स आ जाएंगे जो कि हमारी प्रोग्राम विंडो के अंदर होते हैं। यहीं पर हमें जो है वो टूगल मल्टी कैमरा व्यू शिफ्ट ओ है इसका शॉर्ट की, वही टूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हम इसको करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप अगर हम करना चाहते हैं तो। अब जब मैं इस टूल के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये प्रोग्राम विंडो पे जो है वो मेरे सारे कैमरा के जो है वो एंगल आ जाएंगे, सारी मेरी जो क्लिप्स हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरे पास जो है वो चार कैमरा है। तो अब सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर आईफोन वाली वीडियो पर क्लिक कर देती हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट ही जो है अपना इंट्रो जो है वो यहाँ से कर रही हूँ। तो अब जब आप सुने इसको, यहाँ पर जो है वो मैंने अपना एंगल को चेंज करा है और ये एंगल पे जो है वो मैंने अपने हेड को मूव करा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा पहले लेके जाएंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी वीडियो जो है वो कंटिन्यू प्ले होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, तभी जो है ये मल्टी कैम्स जो है वो अप्लाई होंगे आपकी वीडियो के अंदर। तो इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और फिर चलाएंगे। अब आप देखें, जैसे ही मैंने अपना एंगल चेंज करा, मैंने दूसरे क्लिप के ऊपर जब मैं क्लिक कर दूंगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास दूसरा एंगल आ जाएगा। और आप यहाँ पर भी देखेंगे हमारी जो टाइमलाइन है इसके अंदर भी जो है वो कट लग गया क्योंकि हमारा एंगल जो है वो चेंज हो गया था। इसी तरीके से अब मैं देख रही हूँ पीछे,
तो मैं इसको थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगी। आज की हमारी क्लास होने वाली है मल्टीकैम्स के ऊपर। अब मैंने दोबारा आईफोन में देखा है तो ये देखिए आप किस तरीके से मल्टी क्लिप्स को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैंने यहाँ पर देखा है इस कैमरे पे, तो अब मैं इसको यहीं पे लेके जाऊंगी पीछे दोबारा कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मेरा एंगल यहाँ से भी है, आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा एक फोर्थ कैमरा भी था जिससे जो है वो मैंने आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं करा था, इसको मैंने एज अ साइड कैमरा ही रखा था। आप ये ऐसा कर सकते हैं जब आपके पास जब सेम ऑडियो होती है तो आप डिफरेंट क्लिप जो है वो मल्टी कैम में आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपका एंगल चेंज हो रहा है आपको वहाँ वहाँ क्लिक करना है उस क्लिप के ऊपर और आपकी जो मल्टी कैम की सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो तैयार हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएलजी गाइडेंस। मैं हूं आपकी टीचर माही मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है मल्टी कैम्स के ऊपर कि आप किस तरीके से मल्टी क्लिप्स को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आज मेरा एंगल यहाँ से भी है, बस मैंने इसको इधर तक ही रखा है। आपके पास 7-8 मतलब नो मैटर आपके पास जितने भी कैमरा हो आप इसी तरीके से जो है वो मल्टी कैम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट की ये भी होता है जब आप प्रोग्राम विंडो पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से 1 2 3 प्रेस करेंगे तो वो जो है मतलब आपके पास जितने भी कैमरा है उसके हिसाब से तो ये खुद ही जो है वो चेंज होता जाएगा। सो आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। अभी तो हमारे पास खाली 4 कैमरे थे, अगर आपके पास 5 6 7 हो नो मैटर्स आप इसी तरीके से जो है वो मल्टी कैम की जो वीडियो होती है उसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।